नमस्कार बिग ब्रेकिंग न्यूज को आपन को स्वागत करूछि मु बंदिता खबर को आसबा महाराष्ट्र परे गोवा महाराष्ट्र रे जेउ भली शिवसेना को झटका लागिला ठीक सेई भली गोवा रे कांग्रेस पाई विपद बढ़ी पारे। गोवा कांग्रेस रो 11 जन विधायक को मध्यरु 9 जन विधायक बीजेपी रे शामिल हेबानी चर्चा जोर धरिछि। जदि एभली हुए तेबे गोवा कांग्रेस को जोरदार झटका लागिबा को जाउछि। विधानसभा अधिवेशन पूर्वरु गतकाली बसथिबा विधायक दल बैठक रे शामिल होइनथिले कांग्रेस रो 7 जन विधायक। एही 7 विधायक बीजेपी सह संपर्क रे थिबा कहा जाउछि। तेबे गोवा कांग्रेस पक्षरु याकु खंडन करा जाइछि। बीजेपी जाणी सुणी मिथ्या प्रचार करथिबा अभिजोग आनिछि कांग्रेस। दलर वरिष्ठ नेता दिनेश गुंडराव असंतुष्ट विधायक को मनाइबा को उद्यम जारी रखिछन्ति। दल विरोधी कार्य पई माइकल लिबिंग को विरोधी दल नेता पदरु हटा जाइछि। सेपटे स्थिति संभालिबा पई मुकुल को गोवा पठाइछन्ति कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी। अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू अछन्ते मस्त फोन लाइन रे। सुक्त साहू आपनको स्वागत करछु न्यूज एट नोडिया को। जेमिति स्थिति आमे महाराष्ट्र रे देखुथिलु वर्तमान ठीक सेमिति स्थिति हेबा को जाउछि गोवा रे। याको नै कि आपनकर आकलन कोन केमति देखन्तु एक्जैक्टली एंटी सिचुएशन मध्य से गोवा रे हेतला 2019 मस्या रे हेतला कोन थरे आमे देखुछे जे सेठी आपनकर से भला गोटे स्थिति उपजुची जे सेतबेले जेमिति आपनकर जुलाई 10 2019 रे आपन देखिए पाखापाखी 10 सेतबेले कांग्रेस रा 15 जन एमएलए थांथे 10 जन सीधा सड़क बीजेपी को चली जाइथिले। पुणि ता परवर्ती अवस्था रे जेतले निर्वाचन हला 11 जन तातरे जितिकिरी आसीथिले एवं आजिका डेट रे आपन देखिबे सेथु 8 जन बाहर जीवा पय बसुचंती आपनकर भारतीय जनता पार्टी को परिस्थिति जहां लागुचि निश्चित तांकर भितरे गोटे विद्रोही मानकर टिके दबदबा बतार रहिछि। से चिंता करछन्ति बीजेपी के चली जा पय एवं सेथु देखिबे जे आपनकर भारतीय जनता पार्टी एवं विद्रोही भितरे तांकर गोटे सिक्रेट निगोसिएशन चलछि जे कोन अरेंजमेंट रहिबो। जदि 8 जन भांगी कि आसुछन्ति 2/3 भांगी कि आसुछन्ति ताहेले तांकर अरेंजमेंट कोन रहबो जहां लागुचि आंक भितरु जणको डेप्युटी स्पीकर हिसाब रे निजुक्ति दिया जाव बोली ए प्रतिश्रुति मध्ये मिलिछि। तो परिस्थिति वर्तमान सेठी जदि आकलन करबा ताहेले महाराष्ट्र भली परिस्थिति जुटिछि। धीरे धीरे कांग्रेस लागुचि इज लूजिंग इट्स ग्राउंड इन गोवा एवं जोटी विरोधी मानकर टिके पल्ला अधिक भारी रहिछि। जदिओ कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता माने तांकर गोटे कहुछन्ति दल ठीक अछि किछि असुविधा नाही किंतु तांकर विधानसभा रे बर्तमान जो भली कार्यावली चलिछि विधानसभा रे जे रहिछन्ति बाचस्पति सेठी एवं विधानसभा रा सचिव जे रहिछन्ति जो भली भाबे गत काली थारु काली रविवार थिला रविवार विधानसभा खोला जाइछि एवं डेपुट स्पीकर कर जो इलेक्शन थिला तांग 12 तारिख को सेटा को घुंचै दिया जाइछि एवं सेथरु सीधा जणा पडुछि जे जहां सेठे आलोचना होउछि जे जो जहां को डेप्युटी स्पीकर करियो बोली बीजेपी चाहितला बर्तमान ताकू स्थगित रखिछि एवं ए माने दल बदल करिकि बीजेपी रे मिसिले आंक भितर जण को डेप्युटी स्पीकर करा जइबो एवं काली संध्या पर जतबे आपन पर कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग जो बसितला चित्र देखला बळ को आपन कर 5 जण 4 प्रथम 8 जण अनुपस्थित थिले एवं पर 4 जण आसीले एवं आउ 3 जण अनुपस्थित थिले किंतु मोटामोटी आउ 4 जण अनुपस्थित थिले मोटामोटी लागुचि जो भली भाव रे सेठी दृश्यपट रहिछि से दृश्यपट रे वर्तमान अनिश्चितता निश्चित लागि रहिछि। एहा कहि हबो किंतु आउ गोटा कथा कहि हबो कौनसी ना कौनसी जगह रे बीजेपी इज टार्गेटिंग 8 एमएलएज फ्रॉम आपनकर कांग्रेस एवं जोठी आपन देखुछने काली थारु आपनकर सेठी केते समय माने गोटे बैठक रे 11 जन उपस्थित रहलाले पुने आउ गोटे बैठक रे 11 जन उपस्थित 3 जन उपस्थित रहउछन्ति आउ गोटे बैठक रे 7 जन उपस्थित रहउछन्ति। त एई भेल क्षेत्र गोटे स्पष्ट अनुमान करा जाय पारे जे कांग्रेस रो जो लॉ मेकर्स अछन्ति दे आर हबनबिंग विथ बीजेपी बीजेपी सहित ताकर माने कारबार चालिछि एकथाटा सीधा सळख जणा पडिछि। आउ किछि समय परे जणा पडिजिबो जे बीजेपी रो भी जे सेठिकार रहिछन्ति सभापति रहिछन्ति तांकर राज्य सभापति रहिछन्ति सदानंद तानावाड़ी जी रहिछन्ति से सीधा साल कहिछन्ति आम डोर ओपन अछि यदि कि आसीबे आम कोन काहा को मना करिवु। त एई जो कथा को यदि आपन विचार करिवे कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग डका जेबो सेतर समस्त कांग्रेस रो वरिष्ठ नेता भी वर्तमान गोवा गस्त रे गलेनी बनेबा को प्रयास त जारी रहिछि कांग्रेस तरफ रु कि एई जो 8 जण विमुख होउछन्ति दल प्रति से माने पूर्ण थरे दल मुहा केपरि होई पारिबे किबा दलर एक्टिविटी रे किबेरी संश्लिष्ट होई पारिबे से नै कि वर्तमान प्रयास जारी रहिछि। धन्यवाद सुक्त साहू आलोचनार भाग नै थिबारु।
महाराष्ट्र एकनाथ सिंदे सरकार को आज आउ एक परीक्षार सामना करने को पड़ सिंदे गोष्ठी षोह विधायकों निलंबन नहीं होता आवेदन आज सुप्रीम कोर्ट शुणाणी करेंगे। एथस एकनाथ सिंदे को सरकार गठन पर राज्यपाल करमंत्रण आवेदन भी शुणाणी करेंगे सर्वोच्च अदालत। बाचस्पति निर्वाचन और विश्वास मत प्रक्रिया उपर भी प्रश्न उठाई शिवसेना नेता सुभाष देसाई एने से सुप्रीमकोर्ट द्वारस्थ होते सेपटे विधानसभा सचिवालय पक्षर 55 शिवसेना विधायकों 53 जन को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा सात दिन भितर रिपोर्ट दाखल पर निर्देश दिखाई 39 जन विधायक सिंदे गोष्ठी होता बेले अन्य 14 जन उद्धव ठाकरे गोष्ठी परवर्त खबर को आसवा बालीपाटना सिसिल आशीष ओझा हत्याकांड मामला तीन जन अभियुक्त को गिरफ्त कला बालीपाटना थाना पुलिस। मुख्य अभियुक्त राजकिशोर दास ओरफ राजा गिरफ हो भौणीर एकतरफा प्रेम को विरोध करिबारु आशीष को हत्या करा गामुछारे श्वासरुद्ध कर हत्या करने काठ फाड़िया माड़ कर आशीष को आज तीन अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर पुलिस। ए घटना बर्तमान तीन जन अभियुक्त को गिरफ्त कर मुख्य अभियुक्त राजकिशोर दास ओरफ राजा को गिरफ्त कर भौणी को एकतरफा प्रेम को विरोध कर हत्याकांड घटी आशीष को गामुछारे श्वासरुद्ध कर हत्या करवर्त समय काठ फाड़िया पिटी दिया तार मुंड को आज तीन अभियुक्त को कोर्ट चालाण कर पुलिस। यह घटन वर्तमान आशीष हत्याकारी तीन जन गिरफ होती मुख्य अभियुक्त राजकिशोर दास ओरफ राजा भी अच्छी अधिक आलोचना करने आम प्रतिनिधि दीपक अच्छा फोन लाइन में दीपक अधिक तथ्य आपंठ हाँ देखो बालीपाटना सिसोल आशीष ओझा को हत्याकांड घटने तीन जन अभियुक्त को गिरफ्त कर बालीपाटना थाना पुलिस जो थे मुख्य अभियुक्त राजा सामिल अच्छी पुलिस तदंतर जना पड़े आशीष भौणी को राजा एकतरफा भाव प्रेम करते जिते बड़े आशीष भौणी बहुत ठीक होता से समय राजा और दुई सहयोगी मिशि आशीष को गत 6 तारीख राति डाकि हत्या करते गामुछारे परवर्त मुहूर्त में काठ फाड़िया मुंड देह को आघात करते पुलिस जो तदंत कर मोबाइल को नहीं जांच करते राजार भूमिका सामने को आसा और राजा आशीष उभय सांग पुलिस जाना पाला तेनालीन अभियुक्त को गिरफ्त करने पर आज से जहां पुलिस सूचना मिली क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जो स्थान हत्या कराइला से स्थान को पुलिस अभियुक्त को ने क्राइम सीन रिक्रिएशन करेंगे परवर्त मुहूर्त में कोर्ट चालाण कर कमिशनर पुलिस पक्ष सूचना मिली तेनाली मध्य आउ एक बड़ कथा जे केवल भौणीर एकतरफा को प्रेम को विरोध करवा ना या पक्ष आउ किसी कारण अच्छी तो से सब दिग नहीं पुलिस खोजदार करवर्त मुहूर्त में कमिशनर पुलिस पक्ष सांबादिक सम्मेलन पूरा पक्ष सामना करेंगे क्योंकि जहां कई घटना तीन जन को गिरफ्त कर न्याति धन्यवाद दीपक सविशेष आलोचना पाई। विजिलेंस जाल में पुलिस बाबू लांच नहीं धरा पड़े उमरकोट थाना अतिरिक्त आईआईसी लिमाराज प्रधान मामला रफा दफा करने जड़े व्यक्ति लांच ने अतिरिक्त आईआईसी और यही समय लिमाराज प्रधान को माड़ बसला विजिलेंस टीम गतकाल राति लिमाराज प्रधान को धरी विजिलेंस एक मामलार रफा दफा करने 20,000 टंका लांच नेबा बेले से विजिलेंस टीम हावड़े पड़ जाते किसी दिन तले प्रधान तेंतुलीखुंटी थाना को बदल होता बदली को अटकई बदली रे रोक लगे से लांच देते अतिरिक्त आईआईसी को लांच नहीं धरा पड़े अतिरिक्त थाना अधिकारी एवं वर्तमान पुलिस क्षमा कर विजिलेंस टीम गिरफ्त कर प्रकाश पाइला जेई मेन सेशन 1 रिजल्ट जून 23 रु 29 पर्यंत होइथिबा परीक्षार रिजल्ट प्रकाश पाइछि जेई मेन .nta.nic.in वेबसाइट रे उपलब्ध होउछि रिजल्ट 2022 शिक्षा वर्ष रे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम रे नाम लेखा जाइथिबा जेई मेन 1 रो रिजल्ट प्रकाश पाइछि आसंता 29 तारिख पर्यंत ए परीक्षा जारी रहइबो। परीक्षा लागि देश भितरे 501 एवं विदेश रे 22 टी शहर रे केन्द्र करा जाइछि। ओडिसार 35,000 रु अधिक छात्र छात्री एथरो जेई मेन परीक्षा देथिले राज्यर 24 शहर रे परीक्षा केन्द्र करा जाइथिला।
कटक बड़ मेडिकल विधानसभा सचिवालय परे एबे सांबादिकंकु स्कूल कैंपस मना गणमाध्यम पई गणशिक्षा विभाग टाणिला लक्ष्मण रेखा ढेंकानाल जिला कंकड़ाहाड़ अंचल रे किछि स्कूल रे सांबादिक माने प्रवेश करी स्कूल विरोधी खबर प्रकाश करबा परे एक्शन मोड को आस जैछि गणशिक्षा विभाग स्कूल कर्तृपक्ष कठारु पूर्व अनुमति न आनी सांबादिक माने स्कूल भितरे पसी खबर संग्रह करि पारिबे नाही बोली विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। तेब विभागीय मंत्री कहिछन्ति केतेक स्थान रे देखिबा को मिलुछि जे अनस्वीकृति प्राप्त सांबादिक माने अनावश्यक भाबे स्कूल भितरे प्रवेश करुछन्ति एवं मिथ्या खबर प्रसारण करुछन्ति शैक्षिक वातावरण नष्ट करबा सह छात्र छात्री और शिक्षकंकु हैरान करुछन्ति। एभलि निष्पत्ति को विरोध करिछि उत्कल अभिभावक संघ संघ सभापति कहिछन्ति स्कूल रे किछि शिक्षक पाठ पढाउ नाहन्ति उन्नयन कार्य रे हेरफेर करुछन्ति गणमाध्यम यहार पर्दाफाश करिबारु एभलि कटकणा जारी करा जाइछि। केत गुड़े जगार गणमाध्यम भूमिका मध्य अनावश्यक ठार अति होता को आधार कर कि घटना विभिन्न जगह जेहेतु घटी से पुणे अकॉर्डिंगली स्थानीय क्षेत्र में किसी बीओ मैंने चिठी करवा मो नजर को आम दोष दुर्बलता आम जानूँ वी आर आड्रेसींग दिस् प्रोब्लेम ये कथा केवल गणमाध्यम कहले आम जानूँ से कथ नुहे शिक्षक मान अखा बिके शिक्षक मैंने अंडा किणवे ये योजना अंतर्भुक्त करप्रकाश सर्वधारण किए करते गणमाध्यम ता विरोध में परिप्रकाश क्या विरोध में ये दृढ़ कार्यानुष्ठ फौजदारी मामला करते ये कोटना कोटी गोटे विपद संकेत गणतंत्र प्रति एनिक अधिक आलोचना करबा विशिष्ट शिक्षाविद जलील खान अछंती आम सत सीधा सड़क अधिक आलोचना पई श्रीयुक्त खान आपनको स्वागत करछु नजर नोडिया को जे कथा आमे पूर्वरो केवल आलोचना भितर रखिथिले प्रत्येक स्थल रे गणमाध्यम को भितर को प्रवेश अनुमति को बारण करा गला वर्तमान शिक्षानुष्ठान जहाँ कि सर्वसाधारण स्थल हिसाब से परिगणित हुए सेठा को मध्य गणमाध्यम प्रतिनिधि को प्रवेश करबा को रोक लगाई दिया गला आपण निर्देश एवं निष्पत्ति कोन केमि देखुछंती आज्ञा मु आज संवादपत्र पढ़ले कि जना पड़ी कि आमर शिक्षा विभाग जो निर्देशनामा जारी करते कौन कि बिना अनुमति में कौन सी गणप्रतिनिधि से मैंने स्कूल कैंपस भितर पशि पारे ना से अनुमति ही पशिपर किंतु से कि शिक्षा विभाग किसी खबर पाई कि केतक गणमाध्यम प्रतिनिधि जो मैंने कि से स्वीकृति प्राप्त नुहति से विभिन्न प्रकार सब हैरान कर शिक्षक मानक पिला मानक आउ गोटे कथा कैमेरा स्कूल भितर कैंपस भर जाऊँच से समय पिला आकर्षण बढ़ जाऊँ कह आड़ी आमर कैमेरा आड़ी तेणुक बिना अनुमति में प्रवेश करने से ही मना कर अनुमति लेकिन प्रवेश करेंगे गणमाध्यम अधिकार अच्छी आउ गोटे कथा कौन आम जेकि गणतंत्र शासन अनुसार आमर संविधान अनुसार आम गणतंत्र शासन चलुची से आम व्यवस्थापक कार्यपालिका न्यायपालिका तार चतुर्थस्तंभ हूँ आमर जेकि गणमाध्यम गणमाध्यम कार्य से सर्वसाधारण जीवे और प्रकृत तथ्य को संग्रह करेंगे और सेने तालीम प्राप्त से छा कर केमी कहीं कौन किपर यही प्रकार से संग्रह कर प्रकृत तथ्य को लोकलोचन को आणते जोटा कि आमर चतुर्थ स्तंभ अनुसार से कार्य करद्वारा कौन हुए ना आमर लोक मैंने जापारती प्रकृत एट गणतंत्र मूल भित्ति एवं गणतंत्र द्वारा ही आम देश चलुच्छे तेणुक आम संविधान अनुसार जेकि गणमाध्यम मुख्य कर्तव्य रोचे से आता उपस्थापन करेंगे लोक मान आगे लोक मैंने जाना दरकार किंतु जो अनुमति कथा कह जाए श्रीयुक्त खान अनुमति नेले ही प्रकृत कथा जोड़ा सब लुचा छपार जदि होइथिबो किबा कोनोसी हेरफेर मामला जदि थिबो ताल ता तो लुची जिवार आशंका रहिछि ना हाँ यहाँ अवश्य आप कहते कि कौन से हेरफेर होता लुचि जबार निश्चित आशंका रही हिसाब से प्रकृत में जो कि आम जो मैंने कि गणप्रतिनिधि मैंने जाते संग्रह करते आणुते गण आम ये ताद्वारा आम बहुत लाभ होता कौन कि आम करोना समय से प्रकृत निजर जीवन को वृद्धा कर समय बहुत तथ्य संग्रह कर आनी लोकलोक आनी मैंने आमको आने डिबेट बसुते आम ताकि सरकार पाक उपस्थित करूँ ताद्वारा भल जिन भल बाट बाहर ताद्वारा जो पिला मंगल कामना कर सरकार तार निष्पत्ति।
ସଭାପତି ରହୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମତି ବିନା ଅନୁମତିରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ କି ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଚାଲିଥିବ ସେହି ସମୟରେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ଯାଇକି ତାକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି କାଂଶରେ ସତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନା, ଏଇଟା ନିହାତି ସତ ଯେ କି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବିହାରରେ କେତେକ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ଟିଚର୍ ମାନେ ତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଥିଲି 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଆମର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲୁ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କି ପିଲାମାନେ ସପ୍ତାହରେ ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଟିଚର୍ ଗୋଟା ଦିନରେ ଗୋଟା ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଦେବ, 3 ଦିନରେ 30ଟା ଶିକ୍ଷା ସେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିପାରିବ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ କହିପାରିବ ଏବଂ ଭଲ ପଢ଼ିପାରିବ, ତେବେ କାହିଁକି ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇକି ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ? ତେଣୁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଗଲେ ଅନୁମତି ଗଲେ ସେଟା କୌଣସି ପାଠପଢ଼ାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳ ହେବନି। ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନା କରାଯାଏ ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଫେର ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନ ହଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି କି ବିଭାଗର ଯଦି କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାହା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜଣେଇଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଜାଣିବୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ତ ଆମ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ନିଜେ ଏଇଠି ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କେତେଥର ଯେ କି ପ୍ରଶଂସା କରିଛି ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି, ଯିଏକି ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ୍ୟ, ସେ ହିଁ ଗଣମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ ସ୍କୁଲର ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ଭଲ ଅଛି କି ମନ୍ଦ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେ ଆଣିକି ଜଣାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ, ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିହିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯାଇକି ସେଠୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆଣିବା ଆଣିଲେ ଆମର ସେଟା ଉପକାର ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ। ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ଭିତରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା କିଛି ଅନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ କିଛି ବି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ହେଉ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଚାଲିଛି ତା ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଅବଗତ କରାଗଲା, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଇଓ ଡିଓ କାହାକୁ ବି ଅବଗତ କରିକି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ସତ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରିବ କି? କାହିଁକି ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ କେମିତି ଜାଣନ୍ତି ନା, ସେଇ ଗାଁର ସେଇଠି ଲୋକମାନେ ସେଇମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାନ୍ତି ଯେ କି ଆମର ଏଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସ୍କୁଲରେ, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଆପଣ ଆମର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ତେବେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମିତି ଯାଆନ୍ତିନି, ସେଇମାନେ ସେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜଣାଇବାନ୍ତି, ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସେ ପାଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ଲୁଚାଛପା ଜିନିଷଟା ସେଟା ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟଟା ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣାରେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ତାକୁ ତ ବିରୋଧୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କଲେଣି, ତ ଏ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଗୋଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତନୁକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଆବଶ୍ୟକରୁ ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟଧିକ ହେଇଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରଚାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ତା'ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ, ଆମେ କରିବୁ, ଆମର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଠିକ୍ ଚାଲିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏମିତି ଚାଲୁ କେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେଲେ କିମ୍ବା ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପାଇଁ? ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା, ଯେହେତୁ କି ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ, ସେମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କହୁଛି ସେମାନେ 6ଟା କେଉଁ ଉପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଆଣିକି ଥୋଡ଼ି ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ସତ୍ୟତାକୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଛଟାକୁ ରଖନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ସତ୍ୟତା ଆଣି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ତା'ର ଭଲ ବାଟ ମିଳେ, ତା'ର ଭଲ ସମାଧାନ ମିଳେ ଏବଂ ସେଇଟା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଣିକି ସେଇଟା ଆମର
लोक लोचक आणती सेटा गणमाध्यमरे प्रकाश पाए बा मीडिया रे प्रकाश पाए बा गणशिक्षा मंत्री कहिसेंती कि किछि जण अछंती जो माने कि सेमानकर प्रचार जोगु किबा सेमानकर बेले बेले गुजब भी प्रचारित एमिति ढंगरे होइ जाय जहा कि परवर्ती समय लोक को सत्य बोली प्रणीत हुए तो से केस रे कोन केमती करा जाई परिबो सेमाने केमती चूज करिवे को स्कूल को जिबे न जिबे किबा को स्कूल भीतर को गणमाध्यम प्रतिनिधि जिबे से नै कि किछि गोटे निर्दिष्ट तालिका रहिबार आवश्यकता को आपण अनुभव करछंती आगे तालिका नहे मु भाबुछि मोर व्यक्तिगत मतामत मु जति अल्प टिके जानी छी ता अनुसार कोन मन करो जणे गणमाध्यम प्रतिनिधि से बतन जे पहुचले आ गोटे हेडमास्टर को अनुमति मागिले हेडमास्टर से तो पचारि बुझे कौ गण विभाग आज कल जो विभिन्न प्रकार जो आम सोशल मीडिया पहुंचे पहुंचे तो अत्यंत करम तो बर्तमान जाओ सरकार बहुत बढ़िया काम कर शिक्षा ठीक ठाक चली पाठ पढ़ा ठीक ठाक चली सब प्रकार सब बढ़िया चली चल मूल कारण हो गणमाध्यम गणमाध्यम आमको जगह आम कौ अनुरोध कराने ठीक ठाक चलिए आहरी ठीक कराब जे आम शिक्षक नियुक्ति चली चली थी से शिक्षा विभाग तार तत्परता प्रकाश कर दरकार ना गणमाध्यम प्रकृत गण जी प्रकृत आई कान देखिए हेडमास्टर को परमिशन ने सी प्रकृत चतुर्थ स्तंभ अनुसार गणमाध्यम एत प्रकार अग्रसर लगे कथा नुहे एक कथारे आपण अनुभव करुछंती ताहेले मंत्री महाशय टिके एक कथारे टिके आलोचना करंतु अभिभावक संघ मध्ये नाखुश अछि निष्पत्ति नै कि आगे अभिभावक संघ कथा मु कहि परिबिनि मु ओटा साधारणत जे कि आपको 4-5 वर्ष आपको टीवी माध्यम बस होछि देखु छी मु केमति जानु छी ना आपनकर गणमाध्यम क द्वारा ही आमे जानु छु न्यूज पेपर जानु छु आमे एटा बस छु आपनको एटा सब हमर आपन समाधान ए हमर आलोचना चलै छी से आलोचना माध्यम आमे सरकार को अनुरोध करुच्छ देखिए सरकार को आम कहीपर तुम या करके आम से अधिकार नहीं आम सरकार उपस्थापन करूँ आप उपस्थापना करें उपस्थापित कर सरकार तर टिके नहीं बुझुच्च से तर से जहाँ जोटा भल से करा हो आम देखिए ओडिशा राज्य सरकार शिक्षा विभाग जे कि आपणकर जो मध्यम जो प्रकार आम पाइल जो खबर पाइल सरकार जोड़ू सरकार ए बहुत बढ़िया कम करा शिक्षा विभाग यही मानवी जे कि आम 6000 शिक्षक एवं आहरी 10000 शिक्षक से आरंभ कर चली भित्तिम चली भित्तिम तार अधिक अधिक चली कार्यक्रम चली घर द्वारा यातक जगार जो गोटे स्कूल 300 पिला अच्छा से गोटे टीचर पाठ पढ़ू एमता जिनस गणमाध्यम द्वारा जानू तो सरकार जानवा दरकार जानक स्कूल टीचर दवा कथा गणमाध्यम गोटे कथा नुह श्रीयुक्त खान आपंकर मन थी बहुत गुड़े जगह को जो नेट फैसिलिटी नाला पिला आंध्र बॉर्डर में बस आंध्र नेट यूज करते सब केवल के गणमाध्यम रिपोर्ट जो ही सामना को आसाला बोधे आज्ञा मुंकर गणमाध्यम को सब कहे प्रकट कारण आम से जानू आम निंदा निंदा कर गणमाध्यम से बहुत कष्ट से विचार जन रिपोर्टर जाए बहुत कष्ट पा पवन खाई से संग्रह करके आणती आणिकी से जन जो आंध्र रिपोर्ट कथ कहे आबार से आम जानू लोक कि सत्यता युक्ति पक्ष किंतु आउ केते गुड़े जोड़ा लुची रही जाइछि से सब रहस्य ऊपर मध्य परदा हटेबार काम गणमाध्यम रहुछि किंतु ए जो निष्पत्ति हुए तो आउ टिक्के आलोचना करा जिबार आवश्यकता को समस्त अनुभव करुछंती श्रुक्त खान बहुत बहुत धन्यवाद आमस्त आलोचना भाग नै थिबारु।